वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का थर्ड लेक्चर, और इसमें हम पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन करेंगे। पॉइजन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन के लिए हमें गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चाहिए होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जहाँ पे चार्ज स्टैटिक होता है। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन करनी है, वहाँ पे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो स्टार्ट होती है। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन करना है, तो वहां इसी से स्टार्ट होगा। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज क्यू है, तो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वो उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है उसके 1/ε0 टाइम्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट कर रहे हैं, ई क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो मतलब फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया, और ये किसके बराबर है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। उसके बाद हम बात करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ स्टैटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया एंड इज गिवन बाय द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया एंड इज गिवन बाय द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। और हम क्या करते हैं, ऐसे करके एक फील्ड बना देते हैं, सरफेस बना देते हैं। यहाँ से हमने दिखाया ये ds है और ये e है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो उस केस में क्लोज सरफेस इंटीग्रल e डॉट ds इक्वल टू फ्लक्स है ना, phi e, और phi e हम दिखा चुके q अपॉन epsilon नॉट टाइम्स होता है, गॉस लॉ ये कहता है। तो यहाँ से E dot ds equal to q upon epsilon naught times आ गया। अगर चार्ज नहीं है इस फील्ड के अंदर या इस सरफेस के अंदर, तो नेट फ्लक्स जीरो जाएगा, क्योंकि q जीरो हो जाएगा। तो ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ड्राइव पॉइजन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे या द इंटेंसिटी The intensity of electric field E and electric potential, दोनों में क्या relation होता है, electric field और electric potential में? Potential V at any point in an
इलेक्ट्रिक फील्ड आर ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। तो ई जो है माइनस ग्रेड वी के बराबर होता है, या माइनस डेल वी अपॉन डेल आर के बराबर होता है ना। ग्रेड वी का मतलब क्या है? माइनस डेल वी। इक्वेशन 1, ई इक्वल टू, या हम जानते हैं जो डेल है, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। अब क्या करेंगे, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक से ई की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ फ्रॉम गॉस लॉ इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, तो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है कि फाई ई जो है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस, और ये भी किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो इस वाली इक्वेशन को 1 बोल दिया, इस इक्वेशन को हमने 2 बोल दिया। तो इक्वेशन 2 आ गई है। अब उसके आगे करेंगे, क्या करेंगे हम? यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको बताया भी था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक थ्योरम के बारे में। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में आप चेंज कर सकते हैं। तो मतलब ए डॉट डी एस को हम डाइवर्जेंस ए डी वी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल है तो हम उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख सकते हैं। अभी हमने गॉस थ्योरम देखी है ना, हमने अभी इक्वेशन 2 देखा, वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल था, तो यानी कि हम उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो देयर फोर वहां पे क्या था, वो क्लोज इंटीग्रल किसका, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल था। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ई डी वी, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी हमारी, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई डी वी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ में हमने ई डॉट डी एस की जगह डाइवर्जेंस ई डी वी रख दिया, ठीक है। फिर हम जानते हैं क्या, वी नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है, और रो होता है डी क्यू ओवर डी वी। तो यहां से अगर हम क्यू निकाले तो इंटीग्रेशन रो डी वी आएगा, तो क्यू की जगह हम रो डी वी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ई डी वी और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर, और क्यू की जगह इंटीग्रेशन रो रो डी वी वॉल्यूम में। दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 था हमारा क्या था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा हुआ था। इक्वेशन 3 क्या बन के आया कि डाइवर्जेंस इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने डाइवर्जेंस ई की जगह क्या रखा, ई की जगह माइनस ग्रेड रख सकते हैं, तो ग्रेड वी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या यहां से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ग्रेड वी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये भी डेल है
डाइवर्जेंस है तो डॉट होगा, ये डेल वी है तो ये डेल डॉट है डेल वी का इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैंने बताया भी था डेल डॉट डेल की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, डेल के साथ ही, तो डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। तो ये जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, फिर जे डॉट आई 0 हो जाएगा, ये आई है और ये जे है ना। तो यहाँ से देखा जाए तो डेल स्क्वेयर आएगा। जो ये डेल स्क्वेयर है इसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। अगर इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखें, यानी कि इक्वेशन 4 बोल रही हूँ, इस इक्वेशन 4 को देखें तो इस इक्वेशन 4 को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वेयर वी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये इक्वेशन को हम पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज पॉइजन इक्वेशन। तो क्या हुआ, हमने पॉइजन इक्वेशन तो निकाल ली, तो लाप्लास इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन, तो लाप्लास इक्वेशन पॉइजन इक्वेशन का ही एक्सटेंशन है। और क्या है कि अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि जो चार्ज फ्री रीजन हो जाए, फ्री चार्ज वहां पे अवेलेबल ना हो, फॉर अ चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन में द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज जीरो, जीरो हो जाएगी मतलब रो जो है जीरो हो जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यू पॉइजन इक्वेशन में रखें देन पॉइजन्स इक्वेशन डेल स्क्वेयर वी और रो की जगह जीरो, तो डेल स्क्वेयर वी इक्वल टू जीरो। जो ये इक्वेशन है इसको हम लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। तो हमने क्या किया, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके चले, ई इक्वल टू ग्रेड वी होता है, ये वैल्यू हमने गॉस लॉ के अंदर रखी। गॉस लॉ में हमने साथ में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और अप्लाई किया तो पॉइजन इक्वेशन आ गया। पॉइजन इक्वेशन में हमने रो की वैल्यू जीरो रखी फ्री चार्ज के लिए, तो हमारा पॉइजन इक्वेशन से लाप्लास इक्वेशन आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ पढ़ेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करिए, जिससे मुझे पता लगता रहे मुझे क्या चेंजेस करने हैं या क्या नहीं करने हैं। साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हैव अ नाइस डे।